केंद्रीय बजट 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। बजट को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है, जहां बीजेपी इस बजट को शानदार और जनहित में केंद्र सरकार का लिया गया ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बजट को निराशाजनक बता रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रस्तुत किए गए बजट में ना महंगाई नियंत्रण का कोई प्रावधान है और ना ही रोजगार का कोई रोडमैप है, ना किसानों को MSP की कानूनी गारंटी का प्रावधान है और ना ही स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के आधार पर C2 फॉर्मूले पर 50% के लाभ, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली महत्वपूर्ण योजना मनरेगा पर ना बात, ना खाद सब्सिडी। मोदी सरकार के साखरी पूर्णकालिक बजट में ना 2014 के घोषणा पत्र का रोडमैप दिखा और ना ही 2019 के वादों पर कोई प्रावधान किए। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा युवाओं से किया गया था, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलने थे, इसके बारे में कोई बात नहीं। अब केवल 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए भत्ता देने का झांसा दे रहे हैं।